आज विश्व दमा दिवस मनाया जा रहा है और हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में दमा दिवस के मौके पर पर्यावरण में जो जहर घुल रहा है वायु प्रदूषण के बल पर, उसकी हकीकत बयां करने के लिए खड़े हैं। आप सामने देख भी सकते हैं, विकास कार्य चल रहे हैं जिसकी वजह से जो धूल के कण हैं किस तरह से लोगों के फेफड़ों तक पहुँच रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसका भी कहना है कि वाराणसी में बीते 3 दिन में ही जो PM 25 और PM 10 का लेवल है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दमा आम भाषा में लोग बोलते हैं, लेकिन इसको हम लोग मेडिकल भाषा में COPD कहते हैं, से क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसमें लंग्स की सांस की नलियों में सूजन आ जाती है। जैसे आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल सांस की नली होती है, लेकिन जब इसमें दमा का अटैक या सूजन आने लगती है तो सांस की नलियाँ थोड़ी सिकुड़ जाती हैं, लेकिन जब अटैक पड़ते हैं तो सांस की नलियों का ये रूप हो जाता है। तो लोगों को ये बताना है कि अगर दमा का इलाज सही तरीके से नहीं है तो जानलेवा भी हो जाता है। कि वाराणसी में पर्यावरण को लेकर जरा भी संजीदगी नहीं है, विकास कार्य चल रहे हैं, पानी का छिड़काव नहीं किया जाता जिसकी वजह से धूल उड़ रही है और लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। गोपाल मिश्र, ETV वाराणसी।